बीजापुर जिले में अंतिम चरण में मतदान होना है, लेकिन प्रत्याशी अपने जुबानी जंग से पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि चुनार विधानसभा क्षेत्र से अपना दल कमेरावादी पार्टी व सपा गठबंधन प्रत्याशी आरएस पटेल चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने गांव में जनसंपर्क के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा जी अच्छे संत हैं, उनको गोरखपुर के मंदिर में रहकर घंटा बजाना चाहिए। वह क्या सरकार चलाएंगे? भाजपा सरकार में लूट, हत्या, बलात्कार और महंगाई बढ़ी है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान परेशान हैं, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रही है, यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के सिंचाई के लिए बिजली फ्री, युवाओं को रोजगार जैसे तमाम योजनाएं लागू की जाएगी। क्या जनता क्या सहयोग मिला आपको? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से समाजवादी गठबंधन की बयार बह रही है और पूर्वांचल आते आते वो बिल्कुल सुनामी के रूप में हो जाएगा। किसी भी हाल में यहाँ की जनता, असल में चुनाव हम थोड़ी लड़ रहे हैं, चुनाव जनता बनाम भाजपा है। जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों से धोखाधड़ी किया और चुनार के विधायक जी ने चुनार के लोगों से धोखाधड़ी किया, तो चुनार के लोगों ने मन बना लिया है 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो चुनार वाले विधायक जी जो होटल में मस्ती करते हैं या जो ज़्यादा एसी में ही रहते हैं वो केवल होटल में रहेंगे और एसी में रहेंगे। वो चुनार के लिए न पहले 5 साल थे न आगे भी रहेंगे। आपने कहा कि बाबा जी इस बार घंटा बजाएंगे, क्या विश्वास से घंटा बजाएंगे इस बार? देखिए, बाबा जी का तो घंटा बजाना काम है, तो जिनका जो काम है उनको वही काम देना चाहिए। बाबा जी महंत है, बहुत बढ़िया संत है गोरखपुर के, उनको बढ़िया संत है, उनको गोरखपुर में ही संतगिरी करना चाहिए। और अखिलेश यादव जी अच्छे सरकार चलाने वाले हैं, उनको सरकार चलाना चाहिए। इस बार मतलब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, सपा की सरकार बनेगी? देखिए, भाजपा वाजपा कहीं एक कौड़ी दिखेगी नहीं, आपको बता देते हैं। इस बार किसानों ने मूड बना लिया है और मिर्जापुर के लोगों ने तो जबरदस्त मूड बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होना भाई साहब। चुनाव विधानसभा में प्राथमिकता क्या है आपकी? हमारे घोषणा पत्र में जो कुछ हमारे महागठबंधन के लोगों ने नोट किया है वो सब कुछ हमारी प्राथमिकता है। अगर स्पेशली विधानसभा की बात करें तो यहाँ सड़क पूरी तरह ध्वस्त हैं, गांव-गांव में जो आवश्यक सड़क है वो टूटी हैं। किरियात और ढाब की बात करें तो पानी बाढ़ में सब डूब जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। ऊंचा कराना, लोगों की समस्याओं का हल कराना। अगर जमालपुर की बात करें तो वहाँ राजकीय महाविद्यालय दिया गया है लेकिन आज तक नींव नहीं पड़ पाई है। यहाँ जो मूल लोगों को जो भी जरूरत है, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़कर जनता के कदमों में उनके अधिकारों को देने के लिए ही आए हैं।